हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजहर और आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ ली टीवी सेकंड को, जो कि सेकंड हैंड है। ये न्यू नहीं है, ये मेरे दोस्त ने ख़रीदा है, अभी कुछ टाइम पहले ख़रीदा है। ये 4 मंथ ओल्ड है, वारंटी नहीं, और इसको उसने ख़रीदा है 8,000 रुपये का। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये में क्या कमी रही और क्या अच्छाई है, ये बताऊँगा। तो ये उसका बिल है, 12,000 रुपये का कटा हुआ है। बोलिए क्या है इसमें, क्या इसके साथ एयर प्लग्स नहीं मिलते हैं। ये काफ़ी हैवी ली टीवी का चार्जर है, काफ़ी फास्ट चार्ज करता है ये, इसकी अच्छी बात है। यूएसबी केबल पे भी ली टीवी लिखा है। तो दोस्तों, ये वो सेट है जो मेरे दोस्त ने ख़रीदा, काफ़ी स्टाइलिश दिखने में लगता है। ब्लैक डिस्प्ले है, रोज गोल्डन कलर है, फिंगरप्रिंट इसका स्कैनर है, इसका फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है, कलर ब्राइटनेस अच्छे हैं, बट जो इसकी बुरी चीज़ है वो है इसका कैमरा। हालांकि इसमें 16 MP कैमरा दिया हुआ है और फ्रंट 8 MP कैमरा है, बट इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बुरी है, और वो भी इनडोर में। आउटडोर में तब भी ठीक होता है, लेकिन इनडोर में काफ़ी बुरी पिक्चर क्वालिटी है इसकी। और ये आउटडोर का फोटो है, इसमें अच्छा है फ़ोटो, लेकिन उस हिसाब का नहीं है जितना कि 16 MP कैमरे का होता है। देखिए डिटेलिंग मिस हो रही है, ब्लर हो रहा है, आउटडोर में फ्रंट कैमरा भी अच्छा है काफी। ये आउटडोर में देखिए ज्यादा ही ब्राइट हो गया है, इसमें ब्राइटनेस कुछ ज्यादा ही आ चुकी है, डिटेलिंग मिस है, इतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, ब्राइट बहुत फोटो आ रहा है इसमें। फ्लैश फोटो में तब भी ठीक है। तो कैमरा इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है, अगर आपको कैमरे के पर्पज से फ़ोन लेना है तो ये फ़ोन आपके लिए सही नहीं है। और इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, डिस्प्ले अच्छी है, बैटरी बैकअप भी सही है, और डिज़ाइन तो अच्छा है, फिंगरप्रिंट प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन कैमरा इसका अच्छा नहीं है। और थोड़ा ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है हाथों में, OTG सपोर्ट भी है। मैं आपको इसकी वीडियो प्ले बैक दिखाता हूँ, और इसमें ऐसे साउंड भी काफ़ी लाउड है इसकी, अच्छी साउंड है। ये इसका साउंड का स्पीकर है, ये नहीं है, ये माइक होगा इसमें, इसमें माइक होगा ये साउंड का है। यहाँ पे IR ब्लास्टर भी है, सिम इंजेक्टर है, यहाँ पे वॉल्यूम और पावर बट कीज हैं। तो दोस्तों, ये था रिव्यू, और अगर आपको कैमरे के पर्पज से ये फ़ोन ख़रीदना है, कैमरा आपको अच्छा चाहिए, तो ये मत खरीदिए। इसके अलावा और मार्केट में फ़ोन्स हैं जो जिनका कैमरे का रिजल्ट इससे अच्छा है। और बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।